अष्टकलशे इंद्रादि लोकपालान आवाहयेत। ओम ओम इंद्रम ओम इंद्रम विश्वामी वदन समुद्र गृहसंग्रह नाम वदनम सदिवदनम इंद्रादि पायनम आवाहयामि। ओम मी अरविंद आठले। सध्या अचानकपणे एक मोठा योग जुळून आलेला आहे। आपल्या समोर बसल्याचे मीनाजी त्यांनी तळेगावच्या रामाची मूर्ती बनवली। अचानकपणे आता आपण सिरीज सुरू करणार आहोत गोंदवलेकर महाराजांवर, आणि अचानक काल त्यांचा फोन आला की एक माझी मुलाखत आपण घ्याल तर बरं होईल। त्याप्रमाणे आज कसे योग येतात तर तसा योग त्यांचा आला, आणि रामाला कसं त्यांनी सजीव केलेलं आहे, राममूर्तीला, राम म्हणा, सीता म्हणा, लक्ष्मण म्हणा, हे सगळे जे आहेत अत्यंत सजीव मूर्ती त्यांनी आपल्या समोर ठेवलेल्या आहेत। तर विनीत जोशींची मागे मुलाखत आपण घेतली होती त्या राम मंदिरा संबंधात तळेगावच्या, तर त्याच्यामध्ये हा उल्लेख आपण केला होता की ही मूर्ती मीनाजीने बनवलेली आहे। तर त्यांचं नाव आहे छोटू मीना, हे राहतात जयपूरला आणि अत्यंत सुंदर सुंदर अशा मूर्ती बनवतात, मूर्तीमध्ये आपला जीव टाकतात। तर आपण त्यांची मुलाखत घेणार आहोत, त्यांच्याशी आपल्याला हिंदीमध्ये बोलणं भाग आहे कारण मराठी ते तितके बोलू शकणार नाही, त्यांना एक्सप्लेनही करू शकणार नाही, त्यामुळे मी त्यांच्याशी आता हिंदीत बोलणार आहोत। अत्यंत छान योग आलेला आहे ह्या जी काय आपण मालिका घेणार आहोत गोंदवलेकर महाराजांची, त्या दृष्टीने हा योग मला अतिशय चांगला वाटतो। ही महाराजांची इच्छा असली पाहिजे की त्यांचे जे आराध्य दैवत राम, श्री राम, त्याच्या मूर्ती बनवणारा प्रत्यक्ष आपल्या समोर आज बसलेला आहे। तो छोटूजी नमस्कार। नमस्कार दादा, जय श्रीराम। जय श्री राम। तो तळेगाव में मैंने आपकी मूर्ति आपने जो बनाई है वो देखी है, राम और अभी जो पंचक है पूरा, तो इनकी सबकी मूर्ति मैंने आपने जो बनाई वो देखी है। मैं उस दिन वहां मूर्ति के जो प्रतिष्ठान हुआ प्राण प्रतिष्ठा, उस दिन मैं हाजिर था और उसी दिन आपकी मुलाकात लेने की बहुत इच्छा थी, लेकिन आप गड़बड़ में आप चले गए। तो योग बहुत अच्छा आ रहा है, परसों से महाराज जी की सीरियल चालू है, 21 भाग उनके बने हैं चरित्र के, और उसी समय बराबर आपकी मुलाकात हो रही है, ये कोई बड़ा योग है, इसके बारे में मुझे कोई शंका नहीं। तो राम की जो मूर्ति है, हजारों लोग लाखों लोग आके वो देखते हैं और आपकी बहुत तारीफ करते हैं, तो मुझे मेरे सामने उस समय भी प्रश्न था कि ये मूर्ति आपके बनाने में आपको कैसे, क्या मन में कैसे आया, विनीत जी का आपका कॉन्टेक्ट कैसे हो गया, इसके बारे में आप थोड़े बताइए तो अच्छा होगा। मैं मुझे खुद को नहीं मालूम कि भगवान राम जी की कृपा कैसे क्या हुई। विनीत दादा का मुझे फोन आया कि आप मेरी पहले बात हुई थी, तो मैं बोला विनीत दादा मुझे इतना नहीं मालूम कि कब किससे बात हुई। फिर मैं उनको यही बोला कि आपको कौन सी मूर्ति बनानी है वो आप मुझे बताइएगा, जैसा आप मूर्ति चाहेंगे वैसा मैं बना के दूंगा। उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया। वैसे मेरे को टाइमिंग लगभग 6 महीने के समथिंग में टाइमिंग लेता हूँ, अगर एक राम दरबार का मूर्ति रेडी करने में साल 6 महीना लग जाता है मुझे बनाने में, लेकिन कुछ ऐसा राम जी की कृपा हुई और कुछ गोविंदावली महाराज जी का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि 1 महीने और लगभग 10 से 15 दिन के अंदर वो मूर्ति में बना के उधर चले गए दावाड़ी में स्थापना करवाया उसने। और मुझे खुद को भी नहीं मालूम कि कैसे क्या हुआ, और इतना सुंदर मूर्ति मैंने एक जीवन में पहली बार बनाया ये वाला। अच्छा, ऐसा राम जी का कृपा हुआ कि बहुत सुंदर मूर्ति बनाया, मेरे को खुद को कैसे बना वो सब राम जी करने वाले हैं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। बाकी विनीत दादा का भी उनका अच्छा सहयोग रहा। उसके बाद में मैंने अपने रविंद्र पाठक जी जो पिंपरी स्टोर में रहते हैं हाँ 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 उनका भी एक राम दरबार बना मैंने,
हाँ श्री सेलम आंध्र प्रदेश में उनका स्थापना हुआ था, अच्छा और उसके बाद में उसके बाद में भी फिर मैं उसके बाद क्या उससे पहले मैंने गोंदावलेकर महाराज का मूर्ति भी बनाया था। अच्छा वो भी इतना सुंदर बनना है कि मेरे को खुद को समझ में नहीं आया कि वो इतना सुंदर कैसे बन गया गोंदावलेकर महाराज। उसके बाद मैंने एक छोटा 7 इंच में भी तैयार किया है, वो भी अच्छा काफी सुंदर बना है गोंदावलेकर हाँ महाराज का। हाँ 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 और अभी अपने कृष्णा जन्माष्टमी 7 सितंबर 2023 वो भगवान श्री कृष्ण का एक विष्णु रूप में भी बना के मैं मेरी दादा को लेके आया, अच्छा और उसके साथ में 2 गाय है और एक कृष्णा मैया भी है, और कृष्णा मैया भी है और एक गरुड़ भगवान है, एक मारुति नंदन है। और तो ऐसा इतना सुंदर मूर्ति बनता है कि मुझे खुद को समझ में नहीं आता कि कैसे राम हाँ जी के हाँ हाँ कटोरी। हाँ तो ये मूर्तिकला आपने सीखे कहाँ? आपके पिताजी मैं है या ऐसे ने पारंपरिक है या आप कहाँ से सीखे? पारंपरिक नहीं है, मेरे पिताजी हैं, मैं एक बहुत मतलब बोले तो गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, हाँ मेरे मम्मी पापा सब गांव में रहते हैं अच्छा और मैं थोड़ा शहर में रहता हूँ। तो अच्छा मेरे को मेरे बड़े भैया ने लेके आया था इस वाले मूर्ति की लाइन में। तो हाँ मैं पहले फिनिशिंग का काम करता था इसी लाइन में, मूर्ति अच्छा लाइन। तो हाँ मुझे जैसे 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 लगा, मैं जहाँ तक लगभग ऑल इंडिया में सफर हाँ कर चुका मूर्ति के लेवल के मामले में। हाँ हाँ और मुझे ऐसे ही राम जी की कृपा मिली कि मुझे कभी अपने तलेगांव दाभाड़ से एक मंदिर में जुड़ी हुई है, एक उनका नाम है आभा लोकड़ी जी, वो अमेरिका में रहती है, हाँ हाँ और तो उनका भी एक राम दरबार का ऑर्डर मुझे मिला अच्छा है, और एक एक ऑस्ट्रेलिया से भी मिला था मुझे साईं बाबा का। हाँ तो ऐसे बढ़िया राम जी की कृपा हुई, और अभी भी मैं यही चाहता हूँ कि राम जी कृपा बनी रहे और उसका आशीर्वाद बने। दादा को मैं इतना बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अच्छा उन्होंने कभी मुझे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रखा मेरे सामने कि छोटू लाल आप कैसे क्या करेंगे ऐसा नहीं। तो मैं उनको यही हाँ बात बोलता हूँ कि दादा आप इस बात पर चिंता ना करिएगा, आप हाँ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए सारी चीज। हाँ हाँ अभी जब मैंने गाय बना के दी थी कृष्णा जी के साथ में, तो उनको भी थोड़ा कंफ्यूजन था, तो मैं उनको एक ही बात बोला कि आप कंफ्यूजन नहीं होने का, मुझे आप बोलो मैं मेरे हिसाब से बना के देता अच्छा हूँ। वहां जाने के बाद सब लोग अभी कृष्णा जी जन्माष्टमी पे जैसे ही गए, तो वहां पे भी मैंने एक ऐसी चीज देखी कि महाराष्ट्र में भी थोड़ा बारिश का नहीं था उस टाइम पे माहौल, हाँ लेकिन हाँ ऐसा कि भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा हुई कि जैसे हम लोग उधर मूर्तियां लेके पहुंचे उतारने के बाद में वहां बारिश भी शुरू हो गई थी, ये अच्छा मैंने मेरी आंखों से देखा। हाँ और मतलब वहां से आने के बाद में बारिश रुकने का टाइम नहीं रहती, मैं राजस्थान भी आ गया था, बॉम्बे गया था, तो हाँ उधर से अच्छा वहां आने के बाद बारिश रुकनी नहीं। तो ये एक आदमी अगर कलयुग के इसमें अगर माने तो भगवान आज भी है। अच्छा तो इतनी जो और मूर्ति नाजुक मूर्ति आपने लाया, बहुत नाजुक थी वैसी वो, तो वहां से हाँ लाने में बराबर आपको क्या तकलीफ, कैसे कुछ हुआ, तकलीफ हुई या कैसे? नहीं, इतनी सेफ लाना मूर्ति नाजुक, क्योंकि वो ऊपर ये था ना उनके नाक का, 5 फड़ी वाला, तो ये 7 फड़ी शायद, हाँ पांच ना या सात थे। हाँ तो ये कैसे बनाए और वो कैसे लाया, कैसे आपने सेफ पहलेगा तक वहां से देखो लाने का तो ना? ये है, लाने का कोई इशू नहीं है। देखो हमारा क्या रोज का काम होता है, तो क्या कंफर्टेबल हमारे पास रहता है। हम लोग पहले लकड़ी का बॉक्स बनाते हैं, फिर हाँ उसके अंदर पैकिंग करते हैं, अच्छा पैकिंग करने के बाद में फिर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का, हमारा पर्सनली यहाँ ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां चलती है, अच्छा तो उन्हीं के अंदर वो पहुंचाया जाता है। बाकी अदरवाइज अगर अपन कोई गाड़ी करते हैं
उसमें हाँ डैमेज होने का चांसेस होता है, क्योंकि अच्छा जो रेगुलर अगर इधर गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन का चलता है वो मोटी ही स्पेशल में चलती है, बाकी अदरवाइज में नहीं चल पाता। हाँ। तो जब मूर्ति और बनाते हैं मुझे तो इतनी आपकी, प्रेरणा मिली है कि मैं, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ, वो मूर्ति मूर्ति जब मेरे पास बनाते हैं आज तो भी उस राम दरबार का, देखो एक हाँ फोटो मेरे मेरे घर में भी लगा हुआ है, वो राम जी की अच्छा कृपा है, दिख ली की कृपा, हाँ 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 मैं मेरे घर में भी रखता हूँ उसका फोटो। अच्छा गुड। तो तो जब आप, ये ऐसे हाँ जब आप मूर्ति उन, पर्टिकुलर जब चेहरा बनाते हो आप, सभी जो सौंदर्य मूर्ति का रहता है वो सब चेहरे पे रहता है, उसकी आंखें है, उसकी नाक है, उसके होंठ है, ये सब बनाते समय आपकी फीलिंग क्या रहती है, कैसे क्या बना करके आप बनाते हैं? जब हमारा मन थोड़ा तो संतुष्ट रहता है, बिल्कुल फ्री माइंड रहते हैं, जब हम हाँ लोग उसको काम को करते हैं, राम जी की ऐसी कृपा होती है। मैं खुद ये चाहता हूँ कि मैं एक, मेरे मम्मी पापा आज भी गांव में रहते हैं वो, हाँ और वही उनकी प्रेरणा, उनको, मेरे को खुद को मन खुश हो जाता है कि भगवान ऐसे माँ बाप से गुरु देता कि मेरे हाँ को सिद्धि हाँ हाँ पे लाकर उन्होंने, हाँ हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसा फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि मैं इस हाँ चीज में, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना दादा को, हाँ जो मेरा वहां जाने के बाद इतना मान सम्मान करते हैं, कि हाँ मायने रखता है कि पैसा मैं मेरे जीवन में, चलो मेरे परिवार पालने के लिए ऐसा कुछ, मेरा गुजारा करने के लिए करता हूँ, लेकिन जो उन्होंने मान सम्मान देते हैं वो हाँ शायद मैं जीवन में भूल नहीं पाऊंगा। अच्छा ठीक है। मैं बाकी के जो आपका काम है, मेरे पास काफी आपके फोटोज है, ये है जैसे आपने मूर्ति बनाई उसका स्केच है मेरे पास, जो पेंसिल से बनाया था ना पहले वो भी है मेरे पास। किसी के बारे में अपन लेना चाहेंगे, किसी का मुझे फोटो भी मिलेगा या हाँ स्टेचू का भी कोई फोटो मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग में मैं एक्यूरेट सेम ऐसा मूर्ति बना के देता हूँ, जैसा अच्छा उन्होंने फोटो दिया है वैसा मैं फोटो के अकॉर्डिंग में भी बना के देता हूँ, बात अच्छा जैसा भी है। मतलब किसी का भी मूर्ति ऐसा नहीं, मतलब ये नहीं होगा, जो भी मूर्ति देता हूँ, अच्छा जिसका भी, मतलब किसी का महापुरुष का रहो, स्टेच्यू रहे, बस्ते या फिर साईं बाबा वगैरह, जैसे प्रीति शिरडी साईं बाबा तालेगांव हाँ अपने हाँ हाँ सिरगांव मुंबई में हाईवे पे है, हाँ वो भी हाँ अपने इधर से बन के गए हैं। अच्छा तो ये मूर्ति के लिए देखिए कोई संगमरमर स्पेशल संगमरमर रहता है या क्या रहता है उसमें, वो कैसा चूज करते हैं आप? हाँ, स्पेशल मार्बल मूर्ति वाला जो है अपने, हाँ वैसे मकराना भी उसको बोलते हैं और हाँ संगमरमर भी इसको बोलते हैं, और एक पत्थर और आना भी ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, वो वियतनाम वाला जिसको हम बोलते हैं, हाँ अच्छा वियतनाम वाला जो उसको बोलते हैं वो हाँ आता है, लेकिन उसका क्या चाइनीज चाइनीज टाइप का रहता है वो, उसमें अच्छा थोड़ा स्पोर्ट नहीं आता, बिल्कुल बिल्कुल वाइड नहीं किया, अच्छा मकराने का जो मार्बल है उसमें स्पोर्ट आते हैं बहुत बहुत इधर, मतलब मकराने के मुकाबले कोई पत्थर नहीं रहता, अच्छा चाहे तो उसमें स्पोर्ट आए, हाँ लेकिन मकराना जिसको संगमरमर भी बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग में शायद कोई पत्थर ऐसा नहीं आता। फिर मिलेंगे। जी, ऑल इंडिया में, बिल्कुल ऑल इंडिया में मेरा सप्लाई रहा है, आउट ऑफ इंडिया भी अगर कोई डिलीवरी मांगता है तो वो भी मैं देता धन्यवाद। हूँ। ओ, जय श्री राम, जय श्री जय श्री। Thank you.